जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कमाल का पेनी स्टॉक लेकर आया हूँ, नाम है दर्शन ऑर्ना लिमिटेड। समझेंगे स्टॉक क्या काम करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना सही रहेगा, क्योंकि अभी इसका जो शेयर प्राइस है ना अपने थोड़ा कह सकते हैं कि डिस्काउंट पर मिल रहा है, प्राइस थोड़ा नीचे आया और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है आने वाले समय में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग तो शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी रैली हो सकती है, जिसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके। तो इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं, आप चाहें तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो को बारे में समझते हैं, इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, कंपनी के काम धाम फंडामेंटल प्लस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जहां पे ये पता लगता है टेक्निकल एनालिसिस में कि हमें कहां पे इसमें एंट्री लेना है। तो शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि काम बढ़िया रहेगा तभी आने वाले समय में उसमें मतलब उसका ग्रोथ रहेगा। तो जो कंपनी है बेसिकली ज्वेलरी से जुड़ी हुई, इसका बिजनेस है गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड ज्वेलरी बनाती है और ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं जिसको गहना कहते हैं हिंदी में। तो ये देखिए ये गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड तो ज्वेलरी बनाती है, साथ में डायमंड ज्वेलरी का भी कंपनी यूज करती है और डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी भी बनाती है, इसको बेचती है। ओवरऑल जो कंपनी का काम है ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स यानी कि गहना बनाने का कंपनी काम करती है, सोना चांदी और हीरो से भी रिलेटेड कंपनी गहना बनाती है उसको बेचती है। तो ये जो काम है जो सोना चांदी से रिलेटेड काम है, आप इसमें देखिए कभी मंदी आती ही नहीं है, इसमें हमेशा इसमें आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगा इस तरीके के काम में। तो इसीलिए ये जो कंपनी का काम है, काम के हिसाब से जब हम समझते हैं कंपनी जो वर्क करती है तो ये काफ़ी एक मतलब अच्छा कंपनी हमें नज़र आता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है और सही समय पर जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी इसका लाभ ले पाएंगे। तो काम तो काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 20 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो पेनी स्टॉक तो छोटी होती है, हालांकि मार्केट कैप कुछ ज़्यादा ही कम है, जो कि शेयर के प्राइस जब बढ़ेंगे तो मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा। स्टॉक का पी ए भी बहुत कम है, 20 के आसपास है, जो काफ़ी बढ़िया है। पी हमेशा 20 के नीचे होना चाहिए, हालांकि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अभी एक सस्ता प्राइस पे सस्ता वैल्यूएशन पे आपको ये शेयर मिल रहा है। शेयर प्राइस देखेंगे तो 3.96 रुपये के आसपास है, जो कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है। यह भी बढ़िया बात है, शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि कंपनी का आर ओ ई देखेंगे तो ये माइनस में है, क्योंकि समय के साथ प्लस में आएगा और जब प्लस में आएगा तब हमें और ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलने के उम्मीद रहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने काम और कंपनी के फंडामेंटल दोनों चीज़ को समझा लेंगे, फंडामेंटल में और भी कुछ चीज़ों को समझना बाकी है जिसको आगे डिटेल में समझेंगे। अब चलते हैं सीधे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि यदि हमें इसमें बाइक करना है तो कहाँ पे बाइक करना है। देखिए एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब एक साल का चार्ट पर आपको दिखेगा कि इसका जो प्राइस है अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास है, जो कि है 4 रुपये के आसपास। ये 4 रुपये का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा। अब इसको पार करने की बस देरी ही, इसको जैसे पार करेगा इजिली इसका प्राइस 4.5 रुपये के लेवल तक आ जाएगा। 4.5 रुपये के लेवल तक आएगा, यहाँ पे फिर समय बिताएगा और समय बिता के प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, इजिली आपको 6.5 से 7 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। बहुत शॉर्ट टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस 6-7 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो आपको करना क्या है कि जब प्राइस 4.5 रुपये के ऊपर निकले तो आप यहाँ पर एंट्री ले लीजिएगा। हालांकि आप ऐसा पूछ सकते हैं कि 4 रुपये पर ही क्यों नहीं बाई कर सकते, क्योंकि देखिए 4 रुपये एकदम रेजिस्टेंस के करीब है। अब रेजिस्टेंस के पास जाएगा हो सकता है फिर प्राइस घूम जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट हमें मिलने का कंफर्मेशन होना चाहिए तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। ब्रेकआउट कंफर्म तब मिलेगा जब 4.5 रुपये के ऊपर निकले, क्योंकि 4.5 रुपये पर भी इसका एक रेजिस्टेंस है और 4.5 रुपये का जो नंबर होता है ना, ये 4.5-5.5 एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। इसलिए भी आपको इस प्राइस को 4.5 रुपये तक जाने देने तक वेट करना है, और इसके बाद जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि अब इसमें एक तगड़ा मूव आएगा और ये मूव आपको इजिली 6.5 से 7 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो आप वेट कीजिए, हालांकि आप चाहे जिसको बहुत बेचैनी है 4 रुपये के आसपास एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वही होगा कि फिर यदि प्राइस घूमा और मान लीजिए 4 से 4.5 रुपये तक गया, फिर प्राइस आएगा यहाँ से घूम के नीचे, तो आपका मूड डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप चाहे तो एकदम 4.5 रुपये तक वेट कीजिए, 4.5 रुपये से ऊपर निकलने के बाद ही इसमें एंट्री लीजिएगा। बाकी नीचे आने की जहाँ तक प्राइस की बात है, नीचे अगर आता भी है तो 3.5 रुपये तक आ सकता है, क्योंकि अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 3.5 रुपये से लेके 4 रुपये के आसपास। तो जब भी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होता है उससे बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर वेट कर लीजिए, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा उससे भी अपने रेजिस्टेंस के पास है ही, तो प्राइस इजिली आपको 6.5 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस कंपनी का एकदम कह सकते हैं कि बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से भी देखेंगे तो एकदम कंपनी एक नया हाई पर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो इस बार जब इसका प्राइस ऊपर निकलेगा तो एक फिर से एक नया हाई बनेगा, ऑल टाइम हाई, और ये मुझे लगता है आपको 10 रुपये के करीब जाते हुए इसका प्राइस दिखेगा। लेकिन 10 रुपये तक कब जाएगा, जब प्राइस 4.5 रुपये के ऊपर निकले जैसे मैंने यहाँ पर बताया, और इसके बाद आपको ये जो ऑल टाइम हाई है 6.5 रुपये इसको निकालेगा और फिर आपको 10 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। यानी कि आपको इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले समय में दिख सकता है।
जरूरी है कि सही समय पर आप एंट्री लें इसमें। तो जो लेवल मैंने बताया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, 4.5 रुपए का लेवल। अब चलिए बाकी चीजों को इस स्टॉक में समझते हैं। यदि हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट को समझे तो बैलेंस शीट में देखिएगा कंपनी के पास डेप्ट नहीं था, डेप्ट एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। अब जाके 1 सितंबर क्वार्टर में पिछले साल 54 लाख के आसपास कंपनी के पास डेप्ट हो गया। हालांकि इसी बीच आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो, वह भी आपको बढ़ते हुए दिखाया, 3 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ के आसपास हो गया है। तो जब रिजर्व पैसा बढ़ रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो थोड़े बहुत यदि कर्जे बढ़ भी जाते हैं तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। क्वार्टर्स के रिजल्ट में आपको देखिएगा कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर भी क्वार्टर टू क्वार्टर लगभग अच्छे आ रहे हैं। सेल्स देखिए पिछले दिसंबर क्वार्टर में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है सेल्स के मामले में, और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है, आपको यहाँ पे देखिएगा कि कंपनी का जो जो नेट प्रॉफिट होता है, आपको नेट प्रॉफिट भी हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े बहुत कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे नेट प्रॉफिट तो दिसंबर क्वार्टर के मामले में अच्छा कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल बात करें तो जो दर्शन ओरना लिमिटेड कंपनी है, हर एक प्रकार से ये स्टॉक बेहतर नजर आता है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो जो लेवल मैंने बताया आपको उस लेवल पर ध्यान रखिएगा। बाकी मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।